Guys, I hope you all are doing very well. Guys, my name is Sianshu Mittal, and from this video onwards, I will be making exam kit solution of ACCA F9. And guys, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जो F9 की exam kit का solution मैं बनाऊंगा, जो इसके questions हैं, ये सारे questions spreaded हैं. मतलब ये chapter wise इन्होंने bifurcate नहीं करे हुए हैं. तो मैं chapter wise bifurcate नहीं बनाऊंगा, मैं topic wise bifurcate करके questions बनाऊंगा. तो for all the students who are doing exam kit solutions या exam kit जो questions कर रहे हैं, उनके लिए बेटर क्या है कि पहले वो अपना चैप्टर कंप्लीट करें. लेट्स से उन्होंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और चैप्टर्स के एंड में जितने भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारे सॉल्व कर लिए. जब पूरी बुक उनकी कवर होगी उसके बाद एग्जाम किट करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो किसी और टॉपिक के हैं, अगर तुम चैप्टर वाइज ढूंढोगे तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. और मैं जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस बनाऊंगा, दैट विल ओनली बी एमसीक्यूज, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस जो भी चैप्टर्स में हैं वो मैंने चैप्टर के साथ ही सॉल्व करा दिए हैं. एंड तुम्हें पास्ट ईयर ACCA के जो पेपर्स हैं उसमें से वहाँ से भी जो बड़े सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे. तो आई विल बी ओनली डूइंग सेक्शन ए, दैट इज़ MCQ. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस, जो आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक करना है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन. बेसिकली ये हमारे फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के आसपास वाले ही हैं. सो बेसिकली ये तो फर्स्ट चैप्टर का ही है. तो इसके एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो गाइस, जो ये वाली एग्जाम किट है, जो एग्जाम किट वीडियो ये वाली है, दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, ये वाली फ्री है. और बाकी जो दूसरी होंगी वो सारी पेड होंगी और उनके जो चार्जेस हैं वो तुम सबको पता है, इट्स वेरी मिनिमम. तो यू कैन जॉइन द मेंबरशिप एंड यू कैन वॉच ऑल द एग्जाम किट वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दैट इज इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, Which of the following provides best definition of firm's primary financial objective? Guys, exam kit solve करने से पहले हमेशा याद रखना कि तुम्हें जितने भी chapters हैं, जो भी chapter का तुम exam kit करते हो किसी भी subject का, वो chapter तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, उसके सारे concepts तुम्हारे clear होने चाहिए और उसकी सारी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग तुमने करी होनी चाहिए, तभी तुम एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अगर तुम सोच रहे हो कि चैप्टर पढ़ के, बस एक बार चैप्टर पढ़ा और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो देयर माइट बी केस कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व ही ना कर पाओ. तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि तुम पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने चैप्टर के और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग सारी करो, उसके बाद ही एग्जाम किट के क्वेश्चन करो. तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फर्म्स प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ. कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नॉट ओनली प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, दैट इज टू अचीव लॉन्ग टर्म अर्निंग, नहीं टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ एनुअल डिविडेंड, नहीं टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, दिस इज राइट, एंड टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ एनुअल प्रॉफिट, नहीं. होता ये भी है, ये भी होता है, बट ये हमारे एक तरह से देखा जाए तो दीज आर सेकेंडरी. प्राइमरी तो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना, इन सब चीज़ों से शेयर होल्डर की वेल्थ ही बढ़ेगी, अगर उनको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. अब नेक्स्ट इज इंडिकेट बाय क्लिकिंग द रेलिवेंट बॉक्सेज whether the following objectives are financial objectives or non-financial objectives of a company. बिल्कुल सिंपल कि कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो फाइनेंशियल हैं, जो मनी से रिलेटेड हैं, कौन से नॉन मनी. तो maximization of market share. Market share अगर हमारा बढ़ता है, so that is not कि उसके अगेंस्ट हमें कुछ मिलता है. तो market share मतलब market में हमारी firm की value बढ़ रही है, तो it is non-financial. अर्निंग ग्रोथ, अगर हमारी अर्निंग बढ़ रही है, तो अर्निंग बढ़ना मतलब प्रॉफिट आना एक तरह से, तो दिस इज़ फाइनेंशियल. सेल्स बढ़ रहा है, तो दे भी हमारा फाइनेंशियल है, सीधा सीधा रिलेटेड है. अचीविंग अ टारगेट लेवल ऑफ अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो रहा है इनडायरेक्टली, चाहे उससे हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली देखा जाए इट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव बट नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि इनसे भी हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, बट हमें डायरेक्टली देखना है कि वो फाइनेंशियल आएगा या नॉन फाइनेंशियल. अचीविंग अ टारगेट लेवल ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी थी उस पर हमें टारगेट रिटर्न आया कि नहीं आया, तो दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड एंड फिफ्थ आर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड रेस्ट टू आर दी नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन टाइप ऑफ डिसीजन
फेसिंग दी फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजर हमारे तीन डिसीजन लेता है, ये हमने पढ़ा है। ये हमारा एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन। ये हमारे मेन तीन डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इनकम डिसीजन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, अप्रेजल डिसीजन नहीं होता, बजट डिसीजन नहीं होता। डिसीजन ये होते हैं, अप्रेजल, बजट वगैरह वो सब कुछ इन तीनों में होता है, जैसे अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, फाइनेंसिंग के फाइनेंस हमें लेना, ये यहाँ से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो दैट ये सारी चीज़ें बाद में आती है, बट जो मेन टाइप ऑफ, देखो लिखा हुआ है मेन टाइप ऑफ डिसीजंस जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को कंपनी में लेने होते हैं, दोज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सो बी सी डी, दीज थ्री आर योर आंसर्स। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी दैट माइट कंपनी चूज टू परस्यू, के कौन कौन से हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं जो कंपनी करना चाहेगी। फर्स्ट इज डीलिंग ऑनेस्टली एंड फेयरली विद द कस्टमर, ये तो नॉन फाइनेंशियल है। प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका भी फाइनेंस से कोरिलेट नहीं है डायरेक्टली। अर्निंग अबव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, के जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे ऊपर हमारी अर्निंग है, ये हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल। एंड रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ गियरिंग बिलो अ स्पेसिफाइड टारगेट लेवल, गियरिंग रेशियोज जो हमारी होती हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना कि इस रेशियो से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, दैट मीन्स हम मनी से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सो सी एंड ई आर दी आंसर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू फॉर मनी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, जो NPO होते हैं जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनके लिए हमने पढ़ा था वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मतलब कि जितने पैसे उसमें लगे हुए हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, ये हमने पढ़ा था, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कि जो भी पैसे हमने लगाए हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसिस्टेंट विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी, अगर हमने NPO के मनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो कौन सा इसमें से जो एक्शन है वो अप्रोप्रिएट है। यूजिंग अ चीपर सोर्स ऑफ गुड्स एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ NPO, नहीं, ये कोई वैल्यू फॉर मनी थोड़ी है, इसमें तो साफ ही है चीपर सोर्स मतलब क्वालिटी गिर रही है, वेस्टेज हो रही है, इट इज़ नॉट गुड। सर्चिंग फॉर वेज टू डाइवर्सिफाई द फाइनेंसेस ऑफ NPO, देखो अगर फाइनेंस डाइवर्सिफाई करूंगा, जैसे NPO में कहां कहां से पैसे आएंगे, दैट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी होता है कि जो भी पैसे हमारे NPO में आए हैं, जितने भी पैसे आए हैं वो पैसे बिल्कुल सही जगह लग रहे हैं, उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहे पैसे। थर्ड, डिक्रीजिंग द वेस्ट इन प्रोविजन ऑफ अ सर्विस बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने वेस्ट कम कर दिया, दैट मीन्स हम अपनी मनी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो सी कैन बी दी आंसर। फोकसिंग ऑन मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो क्या ही हमने फोकस करना है कि NPO को कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, उससे भी हमारी वैल्यू फॉर मनी नहीं बढ़ती, कि पैसे बेस्ट यूटिलाइज कैसे होंगे हमें वो देखने हैं, पैसे बेस्ट कहाँ से आएंगे वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी में नहीं आता। तो तुमने पढ़ा होगा वैल्यू फॉर मनी मतलब कि जो भी NPO है, NPO में जो भी पैसे लगे हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो NPO के ज़्यादा होते ही नहीं है, तो उसके नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हों, कि जैसे हॉस्पिटल्स है तो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होकर जा रहे हों, हमारी वेस्टेज कम हो रही हो, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो सी इज दी आंसर। देन आते हैं 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू फॉल विद इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से कौन सी चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीस्ट लाइकली टू फॉल, के सबसे कम चांसेस हैं उसके कि वो पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, पैसे को मैनेज करना, और हमने डिसीजन भी पढ़े थे अभी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये होते हैं मेजर डिसीजन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। सो द डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन इंक्रीज, दिस विल फॉल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो दिस इज नॉट द आंसर। हमें बताना है लीस्ट लाइकली कि कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आएगा। फंड्स टू बी रेज टू फाइनेंस एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, फंड्स टू बी रेज टू फाइनेंस मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं। सरप्लस एसेट्स आर सोल्ड ऑफ, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैश कहाँ से आएगा, दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अ रिपोर्ट इज प्रोड्यूस कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट टू बजट, बजट से एक्चुअल को कंपेयर करना, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम नहीं है,
ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोरिलेशन नहीं है। उसका काम होता है पैसे को मैनेज करना, उसने ये नहीं देखना कि हमने जो टारगेट बनाए थे वो एक्चुअली अचीव हुए कि नहीं हुए। तो दिस विल माइट फॉल बट इट विल लीस्ट लाइकली फॉल इन दिस कैटेगरी। उसका पैसे को मैनेज करने से कोई रोल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर को शायद ये चेक करना पड़े कि पैसे वेस्ट तो नहीं हुए, बट लीस्ट लाइकली ये वाला आएगा, बाकी सारे तो मेन है। चलो बात है सेवंथ इज इंडिकेट बाय क्लिकिंग द रेलिवेंट बॉक्सेस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। सो गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड द एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये हमारी स्टेटमेंट काफ़ी हद तक ट्रू है। मैं फुली ट्रू नहीं बोलूँगा बट काफ़ी हद तक ट्रू है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखा जाए तो देखो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी देखते हैं। ध्यान से सुनना, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल भी देखी जाती है, तो हाउ कैन यू से कि लॉन्ग टर्म रेजिंग फाइनेंस। गाइस लॉजिक क्या है, जब भी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी देखते हैं ना, हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा। तो आई कैन से इट इज़ कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस, कि जो हम फाइनेंस रेज करें लॉन्ग टर्म में कैसे उसको रेज करेंगे। तो हालांकि शॉर्ट टर्म भी होता है बट डिसीजन जो हम लेते हैं दैट इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसका काम होता है लॉन्ग टर्म की चीज़ें डिसाइड करना। तो शॉर्ट टर्म की चीज़ों से हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई सेड कि काफ़ी हद तक ये स्टेटमेंट टू है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मोर डे टू डे फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। येस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही होता है डे टू डे चीज़ें देखना, कंट्रोल करना, और हमारे जो एक्सपेंसिज हैं उनको लिमिट में रखना, और जो भी हमारी रेशोज आ रही है वो मैनेज करना। सो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ और डिसीजन जो हमें लेने होते हैं कि हमने अगर काम करना है उसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेना है, सो दैट ऑल डील्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ऑफ पास्ट प्लान्स एंड डिसीजंस। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है कि पहले जो हमारे बुक्स बनी थी, जो हमारी बैलेंस शीट बनी थी, उस बैलेंस शीट से हमारे क्या रिजल्ट्स आए हैं, और उन रिजल्ट्स को हम देख के क्या डिसीजन ले सकते हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो अब ऐसा कर सकते हैं, पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ऑफ पास्ट प्लान्स एंड डिसीजन। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड टिपिकली बी कैरिड आउट बाय अ मेंबर ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम। के फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम क्या डिसीजन ले सकता है, क्या बेसिकली वो टास्क करेगा। इवैल्यूएटिंग प्रपोज एक्सपेंशन प्लान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ये देख सकता है, क्यों, अगर हमें एक्सपेंशन करनी है तो मतलब हमें फाइनेंसिंग चाहिए होगी, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, है ना। तो इवैल्यूएटिंग प्रपोज फाइनेंशियल प्लान कि हमें कितनी फाइनेंसिंग चाहिए, फिर फाइनेंसिंग उसमें कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितना हमें लॉन्ग टर्म में रखना है पैसा, कितना हमें वर्किंग कैपिटल में रखना है। तो ये वाला तो इसका आंसर ए तो आ ही रहा है। रिव्यू ऑफ ओवर टाइम स्पेंडिंग, अगर कोई ओवर टाइम स्पेंड कर रहा है उसका रिव्यू करना, ये काम तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, इसका भी रिलेशन कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं है ना कि कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है। अपोर्शनमेंट ओवरहेड्स टू कॉस्ट, ये भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसने पैसों का इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, इन तीनों से रिलेटेड कोई भी काम हो वो ये करेगा। उसके अलावा ये सारे काम तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फाइनेंशियल अकाउंटेंट करते हैं। अब ये बुक्स थोड़ी बनाते हैं, ये कोई रेशो थोड़ी निकालता है, वो सब तो इसको गिवन होती है। ये उन रेशो से देखता है कि आगे क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ अ फर्म। इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ अ फर्म, नॉट शेयर होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था इंटरनल, जो हमारी कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं। तो कंपनी डायरेक्टर इंटरनल होते हैं, कस्टमर हमारे कनेक्टेड होते हैं बिकॉज वो सामान परचेज करते हैं, सप्लायर भी कनेक्टेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर होते हैं, सो दोज आर इंटरनल। फाइनेंस प्रोवाइडर आर ऑल्सो एक्सटर्नल, नो सॉरी कनेक्टेड, क्योंकि वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ए एंड डी. सो ए एंड डी आर दी आंसर्स. 10th, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन पर्पस क्या होता है. सो गाइस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि इस तरह से चीज़ें मैनेज करना कि हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, उनको बेनिफिट हो हमारा. दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि नॉट ओनली शेयर होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे हमारी कंपनी से खुश रहें और उस तरह से हम अपने काम करें, वर्किंग करें. सो टू सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कोई लिंक नहीं है. टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, नहीं, इट्स नॉट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. टेंथ बोलिए मैं सी, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर वायबली अकाउंटेबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर. हाँ, दिस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि हमारा मैनेजमेंट जो हो वो इफेक्टिव हो और हमारा जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए हम अकाउंटेबल हो और उनके लिए हम काम करें. टू एनश्योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर एडहेयर टू, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बट नॉट द मेन पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो 10th का आंसर आ जाएगा हमारा सी. अब आता है 11th. 11th इज द एजेंसी प्रॉब्लम इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अटैच टू साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट हु आर एजेंट. ओके, तो अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट हु आर द एजेंट्स, बेसिकली कंपनी के एजेंट्स कौन होते हैं. तो कस्टमर आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स तो ओनर ही होते हैं, वो तो प्रिंसिपल ही होते हैं, तो प्रिंसिपल तो कभी भी हमारे एजेंट नहीं होते, है ना. नेक्स्ट आते हैं हमारे मैनेजर्स. सो मैनेजर्स आर द पर्सन हु वर्क फॉर शेयर होल्डर्स और वर्क ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स दे आर द एजेंट्स. सो कई बार कोई शेयर होल्डर भी मैनेजर होता है, सो ही विल वर्क एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. बट अगर हम स्पेसिफिक एजेंट की बात करें तो मैनेजर विल एक्ट एज अ एजेंट जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं. दे टेक डिसीजन ऑफ कंपनी, दे टेक डिसीजन ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर तो कंपनी में आके काम कर नहीं सकते पूरा पूरा दिन. तो दे अपॉइंट मैनेजर्स, दे अपॉइंट डायरेक्टर्स हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर. ऑडिटर आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. ऑडिटर कोई कंपनी के लिए कुछ नहीं करते, वो तो कंपनी की बुक्स को ऑडिट करते हैं. तो 11th का आंसर हो जाएगा हमारा सी. 12th इज विच टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसमें है मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. नहीं, ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर कि मार्केट शेयर बढ़ाना इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. मार्केट शेयर तो हमारा कुछ अच्छे काम करके भी बढ़ सकता है. अगर हमने बहुत सारी, लेट्स से हमने फ्री में बहुत सारी हेल्प करी लोगों की, तो उससे भी कई बार हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने लोगों की हेल्प करी है. जैसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करे हैं, ओनर ने कुछ, शेयर होल्डर ने कुछ बहुत अच्छे काम कर लिए, तो उससे भी हमारी मार्केट शेयर बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है. बट इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारा. तो मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. तो फर्स्ट इज नॉट द आंसर. शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. येस, ये हमने पढ़ा था. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वान्टिटेटिव सो दैट देयर अचीवमेंट कैन बी मेजर्ड. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वान्टिटेटिव. हाँ, क्योंकि क्वालिटी कभी भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में नहीं आती. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब क्वान्टिटेटिव. क्वान्टिटेटिव मतलब कितना ज़्यादा कितना कम. हाउ कैन आई से कि मनी की क्वालिटी क्या है. 1 लाख की क्वालिटी कम ज़्यादा थोड़ी हो सकती है. 1 लाख तो क्वांटिटी है, इतने क्वांटिटी के मेरे पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं मेरे पास 1 लाख. सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव सो दैट देयर अचीवमेंट्स कैन बी मेजर्ड. कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, जितना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी. द 3 E's आर यूज एज परफॉर्मेंस मेजर टू असेस वैल्यू ऑफ मनी इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. These 3 E's stand for economy, efficiency and environment. अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा सही था, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सही था. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, environment नहीं होता, economy, efficiency और हमारा था effectiveness. तो ये पूरा ठीक था, लेकिन effectiveness हमारा आंसर है. environment is not the third E. So इसीलिए 4th भी हमारा आंसर नहीं है. तो 12th का आंसर हो जाएगा 2nd and 3rd. अब आता है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एफिशिएंसी टारगेट्स दैट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माइट पुट इनटू प्लेस. कि एफिशिएंसी टारगेट क्या होता है. एफिशिएंसी मतलब कि काम को टाइम पे कंप्लीट करना. क्या होता है, काम को टाइम पे कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल गया, दैट वॉज इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी मीन्स
optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources, these are efficiency targets. तो efficiency targets हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? Reduction in wastage of paper, that is optimum utilization of resources. Pay rates for staff for appropriate level of qualification, इसका हमारा देखा जाए efficiency से correlation नहीं है क्योंकि optimum utilization कुछ नहीं है. Staff utilization, अब optimum utilization of resources, staff is also a resource, उसको optimum utilize करना, तो C is also the answer. तो A and C are the answer. Customer satisfaction rating is nowhere related to optimum utilization of resources. Then आता है question number 14. Question number 14 is managerial reward scheme. So managerial reward schemes should help ensure manager take decisions that are consistent with the objective of the shareholders. के जो managerial reward schemes होती हैं वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो managers हैं वो वही decision लें जिसमें shareholder का भी फायदा हो, उनका खुद का personal benefit ना हो. Which three of the following characteristics of a carefully designed remuneration package, कि इसमें से कौन सी तीन ऐसी हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि हमने इस तरह से ये पैकेज बनाए हैं कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनका भी बेनिफिट होगा, कि मैनेजर्स जो भी उनको हम रिवॉर्ड देंगे वो बेसिकली ऐसा रिवॉर्ड होगा कि उसमें शेयर होल्डर का बेनिफिट होगा तभी उनको रिवॉर्ड मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. सो फर्स्ट इज लिंकिंग ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ मैनेजर्स टू चेंजेस इन शेयर होल्डर वेल्थ, कि अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ए इज द आंसर. मैचिंग ऑफ मैनेजर्स टाइम हॉरिजॉन टू शेयर होल्डर्स टाइम हॉरिजॉन, कि जो टाइम हॉरिजॉन मैनेजर्स शेयर होल्डर का है वही टाइम हॉरिजॉन मैनेजर्स का हो, सो दैट विल ऑल्सो बी अ बेनिफिट, और इससे भी रेम्यूनेशन जो हमारी है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स. पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन बाय मैनेजर्स, अब मैनेजर्स अगर मैनिपुलेशन करते हैं इसका हमारा दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेम्यूनेशन. Encouragement for managers to adopt the same attitude to risk as shareholders, के अगर shareholder को किसी चीज़ में risk लगता है तो managers भी अपना वही attitude रखें कि हाँ managers भी ऐसा सोचें कि वो risk है, so D is the answer. Motivational to primarily achieve short-term goal, के short-term goal achieve करना उसके लिए उनको motivate करना, this is not a रेम्यूनरेशन पैकेज, कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करना डजंट मीन कि उनको रेम्यूनरेशन दे रहे, पैसे नहीं दे रहे उनको, तो मोटिवेट करना मतलब कि तुम गोल्स अचीव करो, इसका शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव से कोई लिंक नहीं है. तो डी ई इज नॉट द आंसर. सो हमारा आंसर आ गया ए बी एंड डी, ठीक है. और बेसिकली जो ये मोटिवेशन है अगर हम मैनेजर्स को देते हैं दैट इज नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कि हम अगर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अचीव करो देन इट कुड हैव बीन राइट बट नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म. तो ए बी एंड डी आर दी आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, कितने क्वेश्चन रह गए इसका? अच्छा 19 है, चार क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन रह गए, ठीक है. इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलिवेंट बॉक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल क्रिटिसिज्म ऑफ एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम ईएसओपीएस का, इसमें कौन सा जो है दैट इज क्रिटिसिज्म, कि कौन सा क्रिटिसिज्म है कौन सा नहीं है, ठीक है. So first is when directors exercise their option they tend to sell share almost immediately to cash into their profits. ये criticism है, मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि जो ESOPs होते हैं ESOPs का benefit क्या होता है directors को, कि जो normally एक share market में let's say $100 का मिल रहा है तो ESOP के base पे वो share किसी को $80 का मिल जाएगा, तो डायरेक्टर क्या करेगा जितने उसको शेयर्स ईसॉप में मिल सकते हैं वो सारे के सारे शेयर्स ले लेगा और उसी दिन उसको ओपन मार्केट में 100 का बेच देगा, तो उसको $20 का बैठे बिठाए बेनिफिट हो गया. सो दैट इज अ क्रिटिसिज्म. इफ अ शेयर प्राइस फॉल्स व्हेन ऑप्शन हैव बीन अवॉर्डेड द ऑप्शंस हैव नो वैल्यू दे कैन नॉट एक्ट एज एन इंसेंटिव. यस दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म, कि मान लो मेरे शेयर का प्राइस था $100 और मुझे एज अ डायरेक्टर ऑप्शन मिल रहा था कि मैं एक शेयर $80 का ले सकता हूँ. अब जिस दिन मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने गया, मेरे को बोला हुआ 80 का मैं ले सकता हूँ, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करने गया उस दिन मार्केट क्रैश होगी और ये 100 का लेट से $70 का चला गया. सो मेरे को इट्स ईसॉप्स देना मतलब इम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना, एक तरह से रेम्यूनरेशन. इम्प्लॉयज़ को जैसे हम पैसे देते हैं सैलरी देते हैं ऐसे ही उनको ईसॉप्स देते हैं कि पैसे की जगह उनको कंपनी के शेयर्स दे दिए एट रिड्यूस प्राइस, दैट इज इंसेंटिव टू देम. लेकिन अगर शेयर की वैल्यू मार्केट में 70 है और मुझे ईसॉप दिए हुए हैं व्हाई वुड आई बाय ईसॉप्स, मैं तो मार्केट से शेयर खरीदूंगा फिर. सो दैट मीन्स ये तो मुझे इंसेंटिव मिला ही नहीं. सो दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म.
Third is, directors may distort reporting profits to protect the share price and value of their share option. Of course, director को पता है कि उनको ESOP मिलेगा 80 का, वो जानबूझ के profits बढ़ाएंगे ताकि हमारे share की value 100 या 100 से ज़्यादा ही रहे. जितनी ज़्यादा होगी हमें benefit है, क्योंकि हमें तो share 80 का ही मिलने वाला है. तो director ये काम कर सकते हैं. तो this is also a criticism. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज, द डायरेक्टर्स ऑफ पॉटिको पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव रिसेंटली एंगेज इन अ फर्म ऑफ कंसल्टेंट्स टू नेगोशिएट स्टैंडर्ड ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड फॉर वन ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स. ओके, दिस इंक्लूड्स अग्रीमेंट ऑफ पॉटिको पीएलसी टू पे 5% पेनल्टी ऑन एनी लेट इनवॉइस सेटल्ड. कि अगर कोई भी लेट इनवॉइस हुई तो इन दैट केस उनको पेनल्टी लगेगी. तो उन्होंने किससे बात की है, दे हैव एंगेज्ड अ फर्म ऑफ कंसल्टेंट. कंसल्टेंट से उन्होंने बात की है कि वो नेगोशिएट करें स्टैंडर्ड ऑफ टर्म जो भी उन्होंने करनी है बिजनेस यूनिट के लिए. ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स अग्रीमेंट बाय पीएलसी कि अगर कोई भी हमें स्टैंडर्ड ऑफ टर्म में चेंजेस करने, नेगोशिएशन करनी है, तो अगर उन्होंने कंपनी ने हमें क्या बोला, जिस कंपनी से हमने बात की थी कंसल्टेंट्स ने, कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आप पे 5% पेनल्टी चार्ज करेंगे. ठीक है, दिस पॉलिसी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज कंसर्न टू विच मेजर स्टेक होल्डर. किस मेजर स्टेक होल्डर के लिए है, दैट इज फॉर देयर सप्लायर्स. सप्लायर्स मतलब जहां से उन्होंने काम लिया है, तो उनको जब पेमेंट करनी है, देखो लेंडर नहीं है, कस्टमर नहीं है, वो ट्रेड यूनियन नहीं है, तो जहां से हमने काम लिया है, कंसल्टेंट से हमने काम लिया है, तो कंसल्टेंट को हमें पैसे देने, तो कंसल्टेंट आर लाइक सप्लायर्स. सप्लायर हो सकता है ना, कि अगर हमारी सर्विसिंग फर्म है तो सर्विसिंग फर्म के लिए सप्लायर मतलब जहाँ से हम सर्विसेज लेते हैं. तो जहाँ से हमने सर्विसेज लिए उनको पैसे देने हैं, टाइम पे नहीं दिए तो हमें पेनल्टी लगेगी. सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. चलो अब आता है 17. सो 17 इज, अंडर द टर्म ऑफ यूके कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड व्हाट आर द ओनली टाइप ऑफ डायरेक्टर्स परमिटेड टू सिट इन कंपनीज ऑडिटेड कमेटी. कि ऑडिट कमेटी होती है उसमें कौन से डायरेक्टर्स बैठ सकते हैं, तो हमें पता है दीज आर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. हमारे होते थे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सिर्फ वही अलाउड होते हैं ऑडिट कमेटी में जाने के लिए. जो कंपनी की ऑडिट कमेटी है वहां बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए होता है. सो इंडिपेंडेंट एनईडी, जो कंपनी का एनईडी ना हो, तो ए हमारा हो जाएगा यहां पे डायरेक्टली आंसर, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसिंग एनुअल अकाउंट्स, नहीं ये तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम होता है. प्रोड्यूसिंग मंथली मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले बंदे का है पैसे मैनेज करना, उसको मंथली रिपोर्ट थोड़ी देनी है. एडवाइसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, कि नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स में हम कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कितने नहीं, यस ये एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है. डिसाइडिंग पे रेट ऑफ स्टाफ, स्टाफ को क्या सैलरी देनी है, कॉम्पेंसेशन, ये काम इसका नहीं होता. कॉम्पेंसेशन डिसाइड करना इसका काम नहीं होता. याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये तीन डिसीजन होते हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इंडिकेट बाय क्लिकिंग द रेलिवेंट बॉक्सेस बिलो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो इसमें सबसे पहला, वैल्यू फॉर मनी इज यूजुअली टेकन टू मीन इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड एंगेजमेंट. नहीं, एंगेजमेंट नहीं था, इट वाज इफेक्टिवनेस. तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो दिस इज फॉल्स. कम डिविडेंड मीन्स द बायर ऑफ अ शेयर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड शॉर्टली टू बी पेड. यस, ये हमने पढ़ा था, दिस इज कम डिविडेंड. The dividend payout ratio compares the dividend per share with the market per share. नहीं, this is wrong. जो हमारी dividend payout ratio होती है वो बताती है कि कितना हमारा dividend हमने दिया है और कितने हमारे profits है. तो profits में से कितना हमने dividend दिया है, that is payout ratio. कि मैंने total profit में से कितना हमारा dividend दिया है, so this is also false. The agency problem means shareholder wealth is not being maximized. Yes, agency problem ही होते हैं, when managers act as an agent, तो वो अपना benefit देखेंगे, जिससे shareholder की wealth maximize नहीं हो पाएगी. तो this statement is true. और यहाँ पे हमारा chapter होता है ख़त्म. ठीक है, चलो bye guys, take care and have a great time.